बस आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करवाऊंगी 2 साल की बच्ची के लिए। तो चलिए आइए अपना काम शुरू करते हैं। आप जितना दिलचस्पी से मेरा ये काम सीखेंगे उतने जल्दी आपको आ जाएगा। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें। तो चलिए आ जाइए, अब अपना हम काम शुरू करते हैं। अब ये देखें कि मैंने ये लिखा है अम्ब्रेला फ्रॉक का अगला हिस्सा। अम्ब्रेला फ्रॉक का अगला हिस्सा, ये देखिए अगले हिस्से की कुल लंबाई कितनी आ रही है, 9 इंच। अब देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने 9 इंच इसकी लंबाई लूँगी। ये देखिए 9 पे मैंने डॉट्स लगाया और ऊपर से मैं लाइन ले आई। ये देखिए 9 इंच पे मैंने निशान इसकी लाइन लगा ली। अब चौड़ाई देखिए इसकी कितनी आ रही है, चौड़ाई इसकी आ रही है 6.5। तो मैं यहाँ पे इसके 6.5 चौड़ाई लूँगी। अब ये देखें ये 6 और ये आधा, ये निशान मैंने लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस लाइन को मैं इस लाइन से मिला दूंगी, पॉइंट से मिला दूंगी। मिला दिया उसके बाद जैसे हमने ये 2 लाइनें लिए हैं, इसी तरह हम नीचे से भी 6.5 पे निशान लगा के लाइन बनाएंगे। मैंने आपको बार बार इसीलिए बताती हूँ कि ड्राफ्टिंग के लिए आपको डब्बा बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें ये खुद बखुद 9 इंच आ जाएगा। ये देखें 9 इंच आ गया हमारा। अब देखिए 9/6 पे हमने क्या किया, 9/6.5 पे हमने क्या किया कि पूरा डब्बा हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, क्राफ्ट बैग या तीरा, छोटे बच्चों का क्राफ्ट बैग या तीरा कितना आ रहा है, 4.5। अब ये देखिए मैं 4.5 यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ये 4 और ये आधा, ये मैंने निशान लगा लिया 4.5 पे। अब देखिए कंधा कितना आ रहा है, 5 इंच। तो ये देखें 5 इंच पे मैं लाइन लगाऊंगी, 5 इंच पे मैं निशान लगा के उसके बाद मैं लाइन लगा दूंगी। ये देखें निशान मैंने लगाया, अब मैंने ये लाइन लगा दी। उसके बाद कितनी चेस्ट कितनी आ रही है, 6 इंच। तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें 5 और ये 6, इस पर हमने निशान लगा के जो कंधे की लाइन है उसको हमने चेस्ट से मिला देना है। ये मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद देखें कमर कितनी आ रही है, कमर आ रही है 5.5। तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच पे कमर पे निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये देखें मैंने मिला दिया। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि कंधे की जो गोलाई होती है वो 1/2 इंच पे होती है। कंधे की गोलाई 1/2 इंच पे, ये देखें मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया। 1/2 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि ऊपर से आप डॉट्स लगा के लेकर आएंगे। ये देखें, ये देखें, और इस वाले पॉइंट से टच करके आपने इसको चेस्ट से मिला देना है। ये देखिए मैंने डॉट्स लगाए हैं ऊपर से और डॉट्स लगा के मैंने इसको चेस्ट से मिला दिए, चेस्ट के पॉइंट से मैंने मिला दिया। और जो आपने 1/2 इंच पर गोलाई करनी है इस निशान से इसको टच करके चेस्ट से मिलाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई कितनी है, 1.5 इंच। ये देखिए मैं गले की चौड़ाई पर 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये 1 और ये आधा, ये मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद हमारी गले की गहराई कितनी आ रही है, 2.5 इंच। ये देखिए मैं गले की गहराई पर 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखें ये 2 और ये आधा, ये मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद आपने इसकी गोलाई ऐसे करनी है, डॉट्स लगा के ऊपर वाले पॉइंट से इसको जाके आप मिला दें। ये देखें हमने गोल कर लिया कंधा। उसके बाद क्या है, कंधे की कटिंग, कंधे की कटिंग ये देखें 1/2 इंच आ रही है। तो आपने कंधे की कटिंग यहाँ से 1/2 इंच करनी है। ये देखें 1/2 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को आप गले वाले निशान से मिला दें। ये देखें हमने मिला लिया, हो गया हमारी ये ड्राफ्टिंग पूरी हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने नमक पारा गिराना है। चेस्ट फिटिंग के लिए नमक पारा गिराते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से मैं यहाँ नापूंगी तो कितना आ रहा है, छः इंच का हम क्या करेंगे, आधा 3 इंच पे, ये मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से 1/4 इंच लेना है, 3/4, 3/4। कंधे का नमक पारा, चेस्ट फिटिंग के लिए नमक पारा को 3/4 यानी कि 1/4 इंच गिराना है आपने। ये मैंने 1/4 इंच ले लिया। 1/4 इंच लेने के बाद आपने कंधे की कटिंग को, कंधे की लाइन को डॉट्स के ज़रिए मिला के चेस्ट से मिला देना है। ये देखें मैंने मिला दिया चेस्ट से, यानी कि नमक पारा मैंने गिरा दिया। ये देखें ये मिला दिया मैंने नमक पारा। ये हमारी गोलाई थी जो मैंने कंधे की बताई थी आपको, ये गोलाई है हमारे पास। और ये मैंने नमक पारा आपका गिरा दिया सामने, चेस्ट फिटिंग के लिए नमक पारा गिराते हैं। उसके बाद आपकी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई तो इसके बाद मैं आपका नाप लिखना बताऊंगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया है 9 इंच लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस बैग या तीरा 4.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक कंधा 5 इंच,
गले की चौड़ाई यहां से यहां तक 1.5 इंच, गले की गहराई 2.5 इंच, ये चीज हो गई हमारे पास। अब देखें चेस्ट, एरो सेव करें, यहां से यहां तक 6 इंच चेस्ट, कमर कितनी ली थी 5.5, ये देखें 5.5 इंच पे कमर भी। शोल्डर कटिंग कितनी है 1/2 इंच, 1/2 इंच शोल्डर कटिंग, ये देखें हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ खूब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं एक एक पॉइंट को इसलिए आपको बताती हूँ कि आपको ये चीज़ फ़ौरन पिक करें और फ़ौरन आप अपने खाकी पेपर लेके उसके ऊपर ड्राफ्ट करें और बार बार कटिंग करें। जितनी दफ़ा आप ज़्यादा कटिंग करेंगी उतनी दफ़ा ये चीज़ आपको समझ में आएगी और आपको ये चीज़ फ़ौरन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरे नीचे लिंक है, आप उसमें कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका वो मसले का हल भी बताऊंगी। अब देखेंगे कि हम इसका करेंगे बैक हिस्सा। बैक हिस्सा देखेंगे कि यहाँ ये ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग कम आई है, मैं आपको साथ साथ सारे पॉइंट बताती चली जाऊँगी। अब ये देखें कि हमने कुल लंबाई कितनी ली है फ्रंट की 9, तो हम बैक की भी 9 इंच ही लेंगे। ये देखें 9 इंच ले ली। अब हमने कितनी लेनी थी के चौड़ाई हमने कितनी ली है, हमने 6.5, तो हम बैक की लेंगे 8 इंच, बैक की 8 इंच, लंबाई 9 ही रहेगी लेकिन चौड़ाई में हम इजाफा करेंगे। क्यों इजाफा करेंगे? काज पट्टी के लिए। ये देखें आठ, ये आधा ये मैंने निशान लगा लिया, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया। मिलाने के बाद फिर वही चीज़ आ गई, 2 लाइनें बनाई हैं हमने, अब नीचे से भी इसी तरह 8.5 लेंगे। ये देखें 8.5 पे मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब मैं इसको इससे मिला दूंगी लाइन लगा के, ये देखें मैंने मिला दिया। इसके बाद ये खुद ब खुद 9 आ जाएगा, ये देखें। स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट यूज़ करें, ये देखें मैंने बना दिया। उसके बाद हमने क्या करनी है, काज पट्टी इसकी निकालनी है सबसे पहले। ये ब्लैक बोर्ड पर लिखाई थोड़ा कम हो गई है कि छोटा था, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। 2 इंच काज पट्टी, ये देखें 2 इंच की काज पट्टी। काज पट्टी पे हमने निशान लगाने के बाद इन निशानों को हमने आपस में मिला दिया, ये हमारी बन गई काज पट्टी, काज पट्टी बटन पट्टी। उसके बाद ये जो चीज़ है हमारी, ये फ्रंट के बराबर में आ गई है, ये जो चीज़ है हमारी ये फ्रंट के बराबर में आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह ये 4.5 इंच क्रॉस बेक लेंगे, ये देखें मैंने 4.5 पे निशान लगाया। कंधा इसी तरह लेंगे 5 इंच, ये ले लिया मैंने 5 इंच। उसके बाद चेस्ट भी हम इसी तरह लेंगे, ये देखें चेस्ट पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और कंधे की लाइन को मैंने चेस्ट से मिला दिया। उसके बाद कमर हमारी कितनी आएगी 5.5, ये देखें मैंने 5.5। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दें फ्रंट की तरह, ये देख लें सेम टू सेम हमारी चीज़ वही आ गई। सिर्फ क्या किया है इसमें, काज पट्टी का इजाफा किया है, बटन पट्टी का इजाफा किया है। उसके बाद गला, आप जो चीज़ें भी लेनी है वो इस वाली लाइन से लेनी है, काज पट्टी वाली लाइन से लेनी है, बाहर वाली लाइन से नहीं लेनी। अब देखें कि हम गले की चौड़ाई कितनी है हमारी 1.5 इंच, तो हमारी 1.5 इंच ये गले की चौड़ाई आ गई। देखिए फ्रंट का मैंने 1.5 लिया था, ये लिखा है मैंने गले की चौड़ाई 1.5 इंच, तो हमने इसकी भी 1.5 इंच ही लेनी है। अब जो गहराई है गले की गहराई वो हमने ली थी 2.5 इंच, लेकिन बैक की हम कितनी लेंगे 1 इंच, बैक की कितनी लेंगे 1 इंच। उसके बाद हमने गले की गहराई बाहर से लेनी है, सिर्फ गले की गहराई बाहर वाली लाइन से लेनी है, बाकी तमाम चीज़ें अंदर वाली लाइन से लेनी है। अब इसे निशान को मिला के आप इसके साथ ये मिला दें, ये देखिए हमारा बैक गला बन गया। उसके बाद हमारी शोल्डर कटिंग है 1/2 इंच, ये देखिए हमारी 1/2 इंच शोल्डर कटिंग। उसके बाद आपने क्या करना है कि गले के पॉइंट को इससे मिला देना है आपने, ये देखिए मैंने मिला दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, कंधे की गोलाई करनी है 1/2 इंच पे, वही मैंने निशान लगवाया था आपको 1/2 इंच पे। 1/2 इंच पे आपने निशान लगाने के बाद आपने इनके पॉइंट लेके जाने हैं ऊपर से, ये देखें ऊपर से पॉइंट लेके गए, इससे टच किया और चेस्ट की लाइन से टच कर दिया। नमक पारा सिर्फ चेस्ट फिटिंग के लिए फ्रंट में गिराते हैं, बैक में नहीं गिराते, सिर्फ फ्रंट में गिराते हैं। चेस्ट फिटिंग के लिए नमक पारा 1/2 इंच, 1/4 इंच, 3/4 मैंने नमक पारा यहाँ पे गिराया, ये देखें चेस्ट फिटिंग के लिए। ये सिर्फ फ्रंट में गिराते हैं, बैक में नहीं गिराते। अब देखें कि ये भी मैंने गोलाई कर दी, हर चीज़ आपके सामने पूरी ड्राफ्ट हो गई है। अब मैं इसका नाप लिखना बताऊंगी, यहाँ से यहाँ तक देखें 9 इंच लंबाई, 2 इंच का इजाफा करने के बाद 8 इंच चौड़ाई, 2 इंच की काज पट्टी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्रॉस बैक 4.5 इंच, गले की चौड़ाई 1.5 इंच, गले की गहराई यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, कंधा 5 इंच, गोलाई 1/2 इंच पे,
आधे इंच पे गोलाई कर दी मैंने, यहाँ से भी आधे इंच पे की है, यहाँ से भी आधे इंच पे की है। नमक पारा सिर्फ फ्रंट में गिराते हैं, 1/4 इंच नमक पारा गिराना है आपने, 3/4। उसके बाद क्या करना है, हमारी चेस्ट आ गई है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच की चेस्ट है, कमर आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच की कमर आ गई है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद शोल्डर कटिंग आ गया हमारा 1/2 इंच, और ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको फ्रंट और बैक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो जब मैं इसका पैटर्न आपको बनवाऊंगी तो ये चीज़ आपको फौरन समझ में आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके बाजू बनाने हैं। अब हम करेंगे बाजू की ड्राफ्टिंग। बाजू की कुल लंबाई मैंने कितनी बताई है आपको, 4.5, तो यहाँ मैं देखेंगे 4.5 बाजू आपको करवाऊंगी। लंबाई बाजू की ये देखें 4.5, ये 1, 2, 3, 4, ये 4.5 आधा, इस पॉइंट को आपने इस लाइन से लाइन लगा लेंगे। उसके बाद चौड़ाई हमारी कितनी आ रही है, 6 इंच, तो हम 6 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। ये देखें चौड़ाई ये भी ले ली हमने, हमने दो लाइनें लगा ली। अब नीचे से भी हम इसका 4.5 लेंगे, ये देखें मैंने 4.5 ले लिया। उसके बाद क्या करना है कि हमने लंबाई ये खुद ब खुद 6 इंच आ जाएगी आपकी, ये देखें। उसके बाद कंधे की कटिंग मैंने आपको कितनी बताई है, बाजू की कुल लंबाई 4.5, चौड़ाई 6, कटिंग जो आएगी वो 2.5 इंच पे आएगी, ये देखें 2.5 इंच, ये देखें मैंने 2.5 पे निशान लगाया। और ये आपने इसकी गोलाई ऐसे करनी है जैसे अलिफ के ऊपर मद होता है, ये देखें अलिफ के ऊपर मद, सेम टू सेम मद। उसके बाद हमने क्या करना है कि आगे हमने फिटिंग नहीं लेनी है इसकी। जो अम्ब्रेला फ्राक होते हैं ना या योग फ्राक होते हैं, उनके बाजू फ्रिल वाले बने तो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो आपने क्या करना है कि फ्रिल गेजिंग इलास्टिक करनी है आपने 1 इंच पे, शिटल इलास्टिक 1 इंच पे। जब आप 1 इंच पे इसकी शिटल इलास्टिक करेंगी तो ये खुद ब खुद जो है झालर वाले बाजू बन के आ जाएंगे वो, और जिस वक्त आप इसको बाडी के साथ फ्राक के साथ अटैच करेंगी, फ्राक कंप्लीट होकर ये बाजू बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्राकों पे खूबसूरत से खूबसूरत बीट्स लगा सकती हैं, बटन प्यारे से लगा सकती हैं, लैसें लगा सकती हैं, पाइपिंग लगा सकती हैं, छोटे छोटे फूल रेडीमेड बाजार से मिलते हैं वो लगा सकती हैं, शीशे लगा सकती हैं। यानी कि इसको खूबसूरत से खूबसूरत फ्राकों को बनाना ये आप लोगों के अपने बस की बात है, जितना आप अफोर्ड कर सकती हैं उतनी चीज़ आप इसको लगा कर खूबसूरत से खूबसूरत फ्राक बना सकती हैं। अब मैं आपको करवाऊँगी ड्राफ्टिंग उसकी, अम्ब्रेला फ्राक के घेर की, अम्ब्रेला फ्राक के घेर की ड्राफ्टिंग करवाऊँगी। अब देखें कि कुल लंबाई कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, 17 इंच, 17 इंच, ये देखें 12 का स्केल है तो हम इसको 12 का निशान लगाने के बाद, लाइन लगाने के बाद 12 और 5 कितने होते हैं, 17, 17, ये देखें मैंने 5 पे लगाया, ये देखें इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे, यानी कि 17, 17 पे आपने स्क्वायर बना लेना है। 12 फिर 12, ये 12 पे मैंने लाइन लगाई। उसके बाद 5 इंच फिर मैंने ले लिए, ये 5 इंच लिए, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया। मिलाने के बाद नीचे से फिर हमने ये लेंगे, ड्राफ्टिंग करने के लिए हमको डब्बा बनाना ज़रूरी है, ये मैंने लगा लिया 17, 17, 17, ये भी 17, ये खुद ब खुद 17 आ जाएगा, 17, 17 पे। उसके बाद हमारा क्या, हमने यानी कि स्क्वायर बना लिया 17, 17 पे, हमने स्क्वायर बना लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, कमर, कमर आएगी 5 इंच, ये देखिए हमने इधर से 5 इंच, यानी कि नोक साइड से आपने 5 इंच पे निशान लगाना है, ये 5 इंच पे निशान लगाया आपने, इधर से भी 5 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को आपस में ज्वाइन करके मिला दें, ये देखिए हमने मिला दिया। मिलाने के बाद जो गोलाई है अंदर की वो आपने 1 इंच करनी है, 1 इंच पे गोलाई, ये मैंने निशान लगा लिया 1 इंच पे, आपने इसको डॉट्स लगा के 1 इंच पे आपने इसको गोलाई कर देनी है, ये देखिए मैंने गोलाई कर दी इसकी, ये देखिए गोलाई कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इंची टेप लेनी है, ये देखिए मैंने इंची टेप ले रही हूँ आपके सामने, इंची टेप लेके आपने ये एक है पतरी वाली साइड से वो आपने इसको यहाँ दरमियान में रखना है, दरमियान में रख के आपने इसको यहाँ नापना है, ये देखें बस कितना आ रहा है 14 इंच, तो 14 को हम हटा के इसके साथ आप पेंसिल पकड़, अगर आपने पेंसिल कलर चौक कपड़े पे इस्तेमाल करना है तो इसी तरह जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको अम्ब्रेला फ्राक की ड्राफ्टिंग करवा रही हूँ सेम टू सेम कपड़े पे भी ऐसी ही होगी,
आप कलर चौक पकड़ेंगे, मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये चौक बोर्ड जाल पकड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर कलर चौक पकड़ना है। कलर चौक पकड़ के आपने प्रोटीन को यहाँ दरमियान में रखना है और ये डॉट्स लगाते चले जाने हैं। आपके जो इंची टेप है इसके अंदर खम ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको रखना है। और ऊपर वाला हाथ घुमाएं, ऊपर वाला हाथ घूमेगा तो फिर नीचे वाला भी हाथ घूमेगा। ये देखें पूरी की पूरी, यानी कि गोलाई मैंने इसको किस तरह की है इंची टेप से, ये देखें कितनी प्यारी इसकी गोलाई होके आई है। अब देख लें कि मैं फिर दोबारा बता देती हूँ आपको, ये आप 14 पे रखें यहाँ पर, और इसके साथ कलर चौक पकड़े कपड़े के लिए, मैं बोर्ड के लिए बोर्ड जहाँ पकड़ रही हूँ, आपने यहाँ 14 रखना है। ये देखें मैंने 14 रखा है और ये मैं हल्के 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 डॉट्स लगा के ले आई हूँ। आपको इंची टेप में ऐसे मोड़ नहीं आना चाहिए, ऐसे मोड़ बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है। ऊपर वाला हाथ घुमाएं, आप ऊपर वाला हाथ घूमेगा तो ऑलरेडी नीचे वाला भी हाथ घूमेगा। ये देखें ये देखें, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ आप नाप लिख लें, 17 इंच लंबाई, 17 इंच चौड़ाई, 1 इंच पे अंदर की गोलाई, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच पे कमर। जब हमने 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया तो हम यहाँ पर भी 5 इंच पे कमर पर निशान लगाएंगे, क्योंकि नोक पैक करता है। 5 इंच पे ये भी निशान लगा लिया, 17 ये है तो ये भी 17 होगा, ये 17 है तो ये भी 17 होगा, यानी कि हमने पूरा का पूरा ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या रखना है कि मैं एरो का निशान दे रही हूँ, यहाँ पे आपने इधर नाप के ये वाली चीज़ इस तरह घुमानी है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए पूरे के पूरे। जैसे कहता बार बार घुमाएंगे, सिर्फ ये है जो ऊपर वाला हाथ आपका घूमे, ऊपर वाला हाथ आपका घूमेगा तो ऑलरेडी खुद ब खुद जो घेर है वो खुद ब खुद सही होकर आ जाएगा, खूबसूरत होकर आ जाएगा। अब मैंने बाजू की कुल लंबाई मैंने कितनी ली थी, 4.5, बाजू की कुल लंबाई ये देखें 4.5 लंबाई, और चौड़ाई कितनी ली थी मैंने, 6 इंच, 1 इंच पे इलास्टिक है इसकी, गेजिंग इलास्टिक, और कटिंग है 2.5 इंच पे। अब इतनी गहराई में जाके मैंने आपको ड्राफ्टिंग करवा दी है, हर चीज़ आपको मैंने पॉइंट पे ला के समझा दिया है। इसके बावजूद भी अगर समझ में ना आए तो मैं आपको दोबारा ये चीज़ जैसे पैटर्न बनाऊंगी तो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि 3/4 कितना होता है। 3/4 होता है 1 इंच से 2 सूतर कम, यानी कि ये देखिए यहाँ से ये पतली लगी, यहाँ से नहीं मैं समझा रही, यहाँ से यहाँ तक समझा रही हूँ, यानी कि 1 इंच से ये 2 लाइनें कम, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये हमारा 3/4 आएगा। 3/4 यानी कि ये आधा और ये पौना, ठीक है, 3/4, ये 3/4 है हमारी। अब समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और इंशाल्लाह आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और मैं अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसकी अम्ब्रेला फ्रॉक की पूरी ड्राफ्टिंग, आज ड्राफ्टिंग की है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको फुल कटिंग बताऊँगी इसकी, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।